हाय एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबके घरों में सब अच्छा होगा, फाइन होगा, और ईद आप सबकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। आई एम सॉरी मैं ईद पे कोई भी वीडियो नहीं आपके साथ शेयर कर पाई। और हानी हानी का मुंह क्यों बना हुआ है? रोना क्यों हो रहा है? ओए मैंने नहीं डांटा आपको। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुए हैं? रोना क्यों आ रहा है? रोना क्यों आ रहा है? हंसी भी आ रही है, हंसी भी आ रही है, हंसी हंसी हंसी। अच्छा 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 चले, अभी है हमारे नाश्ते का टाइम। नाश्ते पे मिलती हूँ आपसे, आपको दिखाती हूँ। हाँ जी बोलें, हाय बोलें, अस्सलाम वालेकुम बोलें। हाय कौन कहें बोलें? क्या हमारे चैनल को? हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट से एक टाइप क्या न्यूज़ चाहिए, क्या चैनल चाहिए। चलें आपसे मिलते हैं नाश्ते में और बाकी दिन की एक्टिविटी दिखाती हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का नाश्ता। यूजुअली हम लोग तो खाते हैं वैसे अंडा ब्रेड या कभी नान चने आ जाते हैं, बट नान चने आजकल इसलिए नहीं आ रहे कि मैं नहीं खा रही बेबी की वजह से। तो ये शिमला मिर्च आलू का सालन पड़ा हुआ था, कल बनाया था, ये रख लिया मैंने। और इतनी बड़ी सी ब्रेड में थोड़े से मैंने खीरे काट के रख लिए हैं ताकि खाने में मज़ा आए, क्योंकि शिमला मिर्च वही तो वैसे नहीं पसंद है, मैंने अपनी मर्ज़ी से मंगवाई थी, तो कल थोड़ी सी खाई गई है। आप अगर नाश्ते में ख़त्म करो इसे भाई। और इस समय खीरा है, रोटी और हानी खड़ी हुई है हाय करने। चलें नाश्ते के बाद जो एक्टिविटी है घर में वो दिखाती हूँ फिर मैं आपको। ओके फ्रेंड्स, नाश्ता हम लोगों का हो चुका है और अब मैं थोड़ा सा लेट बैठ गई हूँ। अदन को सुला दिया मैंने और सोची चाय बना के पी लूँ, चाय नहीं पी आज तो चाय बना लें और साथ में थोड़ी देर बाद बनाऊँगी तो थोड़ा बिस्किट विस्किट भी खा लेंगे, हानी भी खा लेगी, है ना हानी? बिस्किट नहीं खाने मजा। खाना जो है वो मामा घर से आया है मेरा, उन्होंने यहाँ दाल चावल पकाए हैं, साथ में रायता है, तो खाना तो पकाना नहीं है, तो जब खाना होगा वही दिखाऊंगी क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। लेकिन अभी चाय बनानी है और खाने को बाहर जाना है ना। कहाँ जाना है? आज को नील्स लेने बड़े बड़े, है ना? करने क्या नील्स? छोटे छोटे घर वाले क्या करने हैं नील्स? क्यों? इसलिए मुझे चले, ये शायद अबूती जाएगी या नहीं जाएगी पता नहीं। हाँ नेल्स देने अपने, क्योंकि क्या करोगी नहीं मेरे मुझे नहीं चाहिए नेल्स, मेरे अपने हैं लगे हुए, गिलास लोगे? चलो ठीक है ले आना। चले अब मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, देखती हूँ इसके बाद चाय के साथ आपके साथ आती हूँ। फिर मैं चाय बनाने आ चुकी हूँ और 3 बजे मेरा वक्त है ये, तो चाय का ही टाइम होता है, 3-4 बजे चाय का ही टाइम होता है, तो चाय बनाते हैं साथ में कुछ बिस्किट वगैरह खा लेते हैं हानी। ठीक है नहीं आप पजामे शरीफ पीना है? चाय नहीं पीनी कंफर्म? ओके ठंडा ठंडा पानी ओके चलें चाय बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ साथ में क्या रखा है। वो पतीली भी धोने वाली है, गंदी है, याद ही नहीं रहा धोना आज, गंदी है। चलें पहले धोते हैं इसको, इसके बाद कुछ और करेंगे, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था धोने, मैं पास बर्तन पड़े होंगे, सोचते मैंने रखा था वैसे ऊपर ये सोच के कि मैंने चाय बनानी है, वो मैंने गंदा करके रख दी, याद ही नहीं रहा मुझे धो के रखना है। चलें धोती हूँ इसको, चाय मैंने चढ़ा दी है, पत्ती मैंने ज़्यादा नहीं डाली, एवं ही जाती रहूँगी क्योंकि मैं तेज़ पत्ती पी लूँ तो मुझे नींद नहीं आती और मेरा इरादा है कि थोड़ा 2 घंटे सो जाऊँ चाय पीने के बाद, तो चढ़ा दी है मैंने और आज मैंने फुल खोल ली है। चलें इसके बाद चाय पीते हैं और फिर पानी के साथ बातें करेंगे। चाय में आ चुका है वाल और मैं बेहोश खड़ी हुई थी तो चाय गिरते गिरते नीचे बची है, बेहोश है, खड़ी हुई थी, मैं मोबाइल यूज़ कर रही थी खड़े होकर, है ना बीमारी हमारे पास है एक कदर मोबाइल। क्या घूर रही हो हानी,
कैसे घूर रही हो हैं क्या अपनी ये छोटी छोटी आंखों से घूर रही हो, बताओ क्या हुआ है, तू नाराज नाराज हो? मैं देती हूँ ना बेबो को, अभी जाएंगे ना तो दे रही हूँ मैं आपको। कितना पसीना आया हुआ, क्यों नहीं जाके बैठती है अंदर हैं, पसीने में खड़े हुए, शौक है या? देखो ना, देखो इधर टिड्डी जाई हैं, गंदी बच्ची। चलो फिर निकाल, जामे शी दूँगा आपको। ये चाय मेरी तैयार है, आप देख रहे हैं पानी का ये रूअफ़ा है। बच्चों को इस मौसम में कोल्ड ड्रिंक से कार्बोनेटेड वाटर के बजाय आप इसे रूअफ़ा या जामिश्री बना के दें, ताकि डिहाइड्रेशन भी ना हो और बच्चे जो ज़िद करते हैं शरबत जूस पीने की वो भी हो जाए पूरा। तो ये आज ज़िद कर रही मैंने ये पीना, वरना सेवन अप है ना हनी, सेवन अप। तो हमें बिस्किट लेके आई मैं, एक ट्रक ये खाऊंगी और चाय पीऊंगी आपके साथ। और चाय पीने के बाद मैं तकरीबन थोड़ा सोना चाहूंगी, और मुझे हानि सोने दे, वरना जब मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ तो मेरी आंखें खुल कहती है मामा सॉरी हो, तो ये मुझे सोने नहीं देती। और अगर जब मैं सो जाऊं तो अदन साहब उठ जाते हैं, यही चलता रहता है। चले लेट्स सी कि सोना जाएगा या नहीं सोया जाएगा, अब तो चाय पी लूँ फिलहाल। व्यूवर्स, हाँ सोना तो नसीब हुआ नहीं, लेटी थी लेकिन अंदर रोने लग गया, फिर हानी मामा सोना नहीं है। तो बस फिर इसी में गुजर गया सारा टाइम। और अब हानी के बाबा इसको लेने आए हैं, ये जा रही है मामा के घर पे, क्योंकि अब ये बोर हो जाती है घर में, क्योंकि इसकी शराकत दारी अदन आ गया है, तो वो बहुत ज़्यादा फील करती है कि अदन क्यों आया है, अदन क्यों, मतलब कि मामा अदन से क्यों लगी रहती है। चलें इसको मैं भेजती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कुछ कि ये वहाँ जा कर क्या करती फिरती है, वहाँ भी जाके थोड़ी सी बहुत वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। मैं तो नहीं जा रही, मेरी सिस्टर छोटी सिस्टर बनाएंगी, तो उसके दिखाती हूँ क्या कर रही है वो, क्या नहीं कर रही। इसके बाद ये घर आएगी, घर आते करते इसको मगरिब हो जाएगी, मगरिब के बाद ही घर आएगी ये, तो फिर रात का खाना होगा और फिर सोना होगा फाइनली इतने लंबे दिन के बाद। चलें खानी मिलती है आपसे अम्मी। मैंगो, कोकोनट, गावा, लीची, सेराबी, प्लम, ये पहले प्लम पियर Okay.
और ये बर्गर लेके आई है, इसकी लाला ने बनाया है, और ये अपना साजो सामान लाई है। खाओ खाओ हनी, खाओ हनी, खाओ 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 खाओ। किसने बनाया है? लाला ने। लाला ने, चलो उठा के खाओ। ठीक है हनी, खाओ ना। इसके ऊपर, इसके ऊपर क्यों? ऐसे उठाओ, ऐसे करके उठाओ। चलो कितना मज़े का लग रहा है, खाओ। रूहानी बर्गर खाती है, फिर इसके बाद हम रात का खाना खा के आपको रात का खाना दिखाती हूँ, अपना शेयर करूँगी आपसे। खाओ नहीं खाओ, खाओ गया नीचे से, खोल दो इसको। हाँ। ऐसे खाओगी? हाँ। चलो ऐसे खा लो। चलो ठीक है व्यूअर्स, ये खा रही है अपना बर्गर और मैं लेके आती हूँ अपना रात का खाना। ठीक है, मामा के घर से जो खाना आया था वो ये दाल है और ये चावल है। तो अब मैं खाना लगाने लगी हूँ गरम करके, खा के फिर मैं सो जाऊँगी। ये एक छोटी सी आम सी रूटीन है मेरी, जो अब अदन के पैदा होने के बाद थोड़ी सी रही है, या अदन के पैदा होने के बाद, मतलब इससे पहले भी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी मेरी, बट अब इंशाल्लाह मैं बच्चे भी पढ़ाऊँगी और होम ट्यूशन ही। तो अभी हम रात का खाना खाते हैं साथ में रायता रख के, और इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफिज़।